आज क्या बन रहा है? आज बन रहा है मछली एंड मीट। मीट जिसके लिए मैं लहसुन को छील रही हूँ और उसके बाद मीट भूंजेंगे। हाँ, रुई तो रिकॉर्ड करता। रुई और एक बार मैंने रिकॉर्ड किए। हाँ, क्या जन राजा बाबू। लहसुन बस देखो, मुगम पाउडर तो बना है। हट, देख हाथ वाला नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो गाइस, आज हम लोग बना रहे हैं मीट एंड मछली फिश। मीट एंड फिश, देखिए इधर है, इधर आओ, इधर दिखा। देखिए गाइस, यहाँ पे फिश है, यहाँ फिश है, इसको धो के अच्छे से साफ कर लिए है। और मीट, और इसमें है, इसमें है मीट, मीट यानी मटन, जिसका हम लोग बनाएंगे मटन करी। मटन करी और फिश फ्राई। फिश फ्राई तो उसके लिए मैं लहसुन छील रही हूँ। लहसुन, प्याज है, उसके बाद प्याज छीलेंगे। हाँ, जो लहसुन मैं छीली वो दे दी हूँ अपनी छोटी बहन को पीसने के लिए। छोटी बहन लगती है वो, मेरी छोटी बहन लगती है, उसका वो पेस्ट बना लेगी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डालेंगे। हाँ, दिखाती हूँ। इधर कढ़ाई गर्म हो रहा है, किसमें? चूल्हे। और आज मेरा ब्लॉग का जो ब्लॉग जो ले रही है, शूट कर रही है, वो है मेरी रूही। ये रूही कौन है पूछते होंगे, रूही कौन है? तो रूही मेरी प्रिंसेस भतीजी है, सबसे लाडली। और इसका एक नाम और भी है जिसको मैं दी थी, जागृति। तो बस अभी मैं लहसुन छिल रही हूँ और दिखाऊंगी फ्राई करने के वक्त। फ्राई हो जाएगा उसके बाद हम लोग दिखाएंगे। नहीं, फ्राई हो जाने के बाद नहीं, फ्राई होगा उसी समय दिखाएंगे, फ्राई करते हुए दिखाएंगे। ठीक है, तभी रखो। तो गाइस, मेरी एक मतलब क्या, देखिए एक बहन ही है मतलब, और बाकी कजन में तो बहुत सारी है। ये मेरी छोटी बहन है और इधर इससे मैं मसाला पिसवा रही हूँ। ये मसाला पीस रही है, देखिए लहसुन में इतना सारा चिली थी। ये लहसुन है और ये इसमें लाल मिर्च है, कुछ खड़े मसाले हैं। अब ये पूछोगे क्यों पीस रही है, तो लहसुन का पेस्ट और इससे ये मिर्चा और खड़े मसाला का पेस्ट फ्राई करेंगे, उससे स्वाद बढ़ जाता है। और मैं देख लीजिए, इसको मैं पीसने दे रही हूँ। और मैं तो गाइस दिखाती हूँ मैं पीसने के बाद। देखिए मसाला हम लोग इस तरह पीसते हैं। और कितना जल्दी इसमें पीस आता है? ये पार्टी बहुत बड़ा है और इतना ये बहुत बहुत शार्प है अभी, इसलिए बहुत जल्दी। हल्दी, हलूद, हलूद और नून के की कोते। फ्रेंड्स, हम लोग मछली फ्राई करेंगे, उससे पहले हम लोग इसे मसाले से इसको कोट कर लेंगे। और इसमें मैं डाली हूँ हल्दी 2 चम्मच है और नमक 1.5 चम्मच है। मैं ग्रेवी में थोड़ा सा और पड़ेगा। और अभी हम इसमें डाल रहे हैं लाल कश्मीरी मिर्च, ये कलर के लिए है। और अब हम डालेंगे इसमें ये, और इसमें है खड़े मसाले और लाल मिर्च का पेस्ट, इसको हम डाल रहे हैं 1.5 चम्मच। और इधर है लहसुन का पेस्ट, ये है 1 चम्मच, इसको हम डालेंगे। रुको, अब इसमें हम लोग नींबू का रस डाल रहे हैं, इसमें डाल रही हूँ मैं सरसों का तेल थोड़ा सा। हाँ, बस जो चम्मच था वो चम्मच कहाँ गया? थाली में, जले रहा। अब इन मसाले को हम अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ पानी, इससे पेस्ट हमारा थोड़ा लिक्विड। अब ये जा रहा है फ्रेंड्स, मटन जा रहा है उधर कुकर में भून रहे हैं इसको। धोया हुआ? देखिए मछली के ऊपर में हम लोग इस तरह मसाले को कोट कर लेंगे। देख दो में मिल जाएगा और हम लोग जब फ्राई करेंगे तो इसको। अब देखिए फ्रेंड्स, इधर मैं कढ़ाई मेरा गरम हो चुका है, हम डाल दे रहे हैं इसको। हम लोग सरसों का तेल से फ्राई कर रहे हैं, आप जो तेल खाना पसंद करते हैं उससे फ्राई कर सकते हैं। देखिए तेल हमारा गरम हो चुका है, कढ़ाई बहुत गरम था पहले से गरम, बट चाप चाप पिन क्या है ना घसा के। इसमें हम लोग डाल रहे हैं मछली को, प्याज भी लग गया। हम जूम कर लो पापा। हाँ, जूम करके ही देखा ना।
घर में आगे लगो ना मजा इतनी मजा है धूप में हल्ला गुल्ला ना हो तो मजा ही तो लगता कैसे पता चलता है मजा आए तो अपन लगे तो गाइस अभी तक हम लोग हिंदी से इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, अब हम लोग खोटा में आ जाते हैं अपना झारखंडी भाषा खोटा। तो हम लगे दोनों बहन और हमें यहाँ डालो ही हो और यहाँ मसाला में कोट करो एक रहे मिलवो एक मतलब ही लगो हमर बहन लगो छोटो बहन बेस मो देखा ही हमने के की हो अभी भी करो हो अभी है और अपनो इंट्रोड्यूस दे कि हमें लगे एकर दूल्हा और एकर दूल्हा एगो हो से मीट हो उसको दुयो साड़ू आज एगो साड़ू रिकॉर्ड करो हो एगो साड़ू मीट हो डोलू आपका हुआ ई लगो हमर साड़ू है जैसा मछलियाँ देखा हो वैसा मछलियाँ वाली भी देखा हो लाल ला। चलो ठीक है ये हो गया, हम मटन का मसाला तैयार करते हैं। लोहा के बहुत जुआ तो नहीं सुन कम ही देखा है उसका जाता है तो भभके लगते है ताकि हवा लगते है। ऐसे जुगाड़ लगो फिर से पलटा ही देख लिए फिर से पलटुए खड़ा गया बड़ी सुंदर देखा हो हो चुका है मछली, अब हम इसको पेट में निकाल लेते हैं। ना पापा ना। कुछ बोल, अब हमारे बारी ना मछली, अब हमारा स्टाइल देख हम हाथ से ना लग पारो हमारे स्टाइल हाथों गंदा ना है तो हाथों ना गंदा है तो और लारबो कर ही यार चटवा तो देबो कर ही देबो कर। हां देखिए हम इंतजार कीजिए, देखिए जब तक लाल नहीं होता तब तक ताकते रही है न तो फोड़ दी तो अरे क्या बचा के फिर से जी तो उसे छोटे तो बस इन्हें जरा इनको भी खाना बनाने का मन कर रहा है। हम लोग को देखिए हम लोग भी सीख रहे हैं। कर रहे हैं इधर देखिए ये मिट्टी वाला घर है, हम लोग का इधर पुराना ढेकी है, ये लोग ढेकी घर में हम लोग टाइम हम लोग स्पेंड करते थे कभी, अभी भी हम लोग बैठते इधर बहुत ठंडा लगता है इसीलिए। देखिए ये ढेकी और इसमें हम लोग अभी पूजा में समय में देखिए गांव का ढेकी देख लीजिए इस तरह होता था पहले। चावल का गुड़ी कूटने के लिए ये बहुत अच्छा लगता है, चावल का आटा। गैस यहाँ पे गैस में बन रहा है, कुकर में मटन देखिए यहाँ पे मटन बन रहा है और इधर भात के लिए हम लोग चढ़ाए हैं अधन, भात बनाएंगे इसमें। जा जुगड़ी वहाँ बिलाती कुची प्याज कुची अब यहाँ डालबो भूंजे खातिर। वही तेल में दे रहे हैं फिर वही बेकार ना जाए सब तक तनिक काम में अभी तो प्याज भुंजा गेलो हम डालो ओकरे बिलाती रामते रामते घमेरी में भय गेले घमेरी में भय गेले ना अच्छा दम मारे रे अरे कुली धरी पीड़ा काहेन दली रे कुली धरी पीड़ा दादा लोक बैसते रे अरे बनी जीवे गावे के सर से मछरिया के पनिया जो मसलवा भुने तेरा धोए थाए के हमें करबे डाल दे ताकि कोई भी चीज वेस्ट ना हो। अभी जो तने मिल जाए आपको बाकी टकाए भुंजला के क्रैक है अभी कहाँ डालेंगे
अब हम डालबो ये मसाला एकर में हो लहसुन मिर्चा लहसुन एक चम्मच बोल लग के दिखा अदरक अदरक हो गेले हिंदी हमरा कोसा बोल ली ने आदि आदि गोलकी गोलकी जीरा आ गोटा गरम मसाला हां लहसुन आर खारान मछरी टा राखी लेबे आ तो खाबी गो हल्दी है रचने वाली अब हम एकर में दे रहलियो एक चम्मच बस बस अपने दे ऊपर में दिया अब तो भुंजाय गेलो पानी सब टाइन ले लो अब भुंजे वाली अब चेंज भई गेलो अब एकर में दियो पानी जितना ग्रेवी रखबे ओकर हिसाब से ते पानी दे दी ताकि अपन फैमिली में अच्छी तरह से डूबी डूबी परसे पारबे सभी के मने हवे के चाहिए कतना पानी देबे पीन के मछरी के टेस्ट ले कैसन बना लो कैसन बना लो मछरिया बड़ी बे तने सुन तो प्यूट और तो तने ढाक दियो ढापा दोस्त यहाँ पोस्तु धोए के पानी दिया गेलो हो सेखा डबकना कम भए गेलो अब एकरो मछरिया डाल लो दे मछरिया दे रहलो इसने दे और चटपट खा ले ना उतार देबो भए गेलो बाटे खातिर तैयार बस अब ढाक देलियो मसाला अंदर अंदर में भिन जितो आइटा कढ़ाई के उतार दियो चूल्हा से तो फ्रेंड्स हम लोग पूरा पसीना पसीना हो गए और आए हम लोग अपना घर का छत में और देखिए बगल में श्री कृष्ण बगल में है आपको मैं मंदिर दिखा रही हूँ ये राधा कृष्ण जी का मंदिर है और इधर छत का व्यू देखिए देखिए गाइस हम लोग छत पर आ चुके हैं और हम लोग यहाँ पे अपना शाम का इवनिंग एंजॉय कर रहे हैं इवनिंग में तो गाइस अगर व्लॉग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा आपको ये व्लॉग कैसी लगी और हम अगर व्लॉग अच्छी लगी हो तो शेयर भी कीजिएगा दोस्तों में तो गाइस मैं बाद में नहीं बाय बाय बोल पाऊंगी इसलिए मैं अभी बोल दे रही हूँ बाय बाय एंड टेक केयर एंड शेयर सब्सक्राइब लाइक तो आगे हम लोग और भी मस्तियाँ करने वाले हैं तो आगे वीडियो में बने रहिए तो बस आज के लिए मैं आपको उल्टा तो फ्रेंड्स बस अब हम लोग शाम का समय में एंजॉय कर लिए हैं खाना बन चुका है और हमारा डिनर भी परोसा जा चुका है तो हम करेंगे डिनर और देखिए इधर है मटन और इधर मछली दोनों हम लोग कटोरी में परोस लिए हैं सबको खा लेंगे तो गाइस अब आज हम लोग का मतलब मस्ती का टाइम है कोने कोने कटी आई एम प्यारी लग रहा है और तुम का भी अनमोल कटी चुके भी दिखे से महंगे हत्या कोने कोने कटी